नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। झारखंड के गढ़वा में अब तक का सबसे बड़ा साइबर क्राइम देखने को मिला है, जहां साइबर अपराधियों ने एक साथ 10 करोड़ रुपए की ठगी की है। जानकारी के मुताबिक ये रुपया जिले के खरौंदी थाना क्षेत्र के डोमनी नदी में बनने वाले बराज को लेकर विशेष भू अर्जन विभाग में रैयतों को मुआवजा देने के लिए आया था, जिसे साइबर अपराधियों ने उड़ा लिया। दरअसल बराज के पास रहने वाले रैयतों लोगों के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए का मुआवजा भेजा था, लेकिन उसमें से 10 करोड़ रुपए की अवैध निकासी किसकी मिलीभगत से हुई है, ये किसी को अभी तक पता नहीं चल पाया है। ग्रामीण इसी आस में बैठे हुए हैं कि हमें कब मुआवजा मिलेगा, लेकिन इन्हें पता ही नहीं कि ये रुपया घोटाले की भेंट चढ़ चुका है। वहीं गढ़वा डीसी राजेश कुमार पाठक ने कहा कि ये साइबर क्राइम का मामला है, हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं, इसके लिए कमेटी भी बनाई गई है, बहुत जल्द इसका खुलासा होगा। वहीं ग्रामीणों की माने तो गढ़वा में ऐसी कोई योजनाएं हैं जो आज भी घोटाला झेल रही हैं। अब देखना है कि 10 करोड़ के इस घोटाले का पर्दाफाश कब होता है। बता दें, जिले के खरौंदी थाना क्षेत्र में डोमनी नदी है, जहाँ पर राज्य सरकार ने बराज बनाने की स्वीकृति दी थी। इसका शिलान्यास 2014 में तत्कालीन विधायक ने किया था। आज इस योजना में सबसे बड़ा घोटाला साइबर क्राइम के अपराधियों ने किया है। आपको बता दें, क्षेत्रीय विधायक भानु प्रताप शाही ने जिला में आयोजित दिशा की बैठक में योजना के अधूरी रहने की बात उठाई तो ये घोटाला सामने आया। उन्होंने कहा कि ये गरीब किसान का पैसा था, ये 10 करोड़ किसने निकाल लिए, ये किसी को अब तक पता नहीं चल पाया है। वहीं उन्होंने ये शक जताया है कि ये घोटाले की भेंट चढ़ गया है, इसमें अधिकारी से लेकर बैंक के लोग भी शामिल हो सकते हैं। उधर पलामू सांसद ने घोटाले की बात को स्वीकार करते हुए कहा कि इस योजना की CBI जाँच की जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।